बेहतरीन और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, वेलकम टू सास बहु रेसिपीज। चावल बच जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम उसको वेस्ट नहीं होने देंगे। बनाते हैं स्वादिष्ट खीर बचे हुए चावल से। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी पके हुए चावल, दो टेबलस्पून साबूदाना, ये हमने भिगो कर रखा था आधे घंटे के लिए, एक टीस्पून इलायची पाउडर, तीन टेबलस्पून शक्कर, ड्राई फ्रूट, आधा लीटर दूध और दो टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। ये दो कप पानी लिया है हमने, इसमें हम साबूदाने को बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट में ये साबूदाना पककर तैयार हो जाएगा। साबूदाने हमारे पक चुके हैं, इससे हमारी खीर गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्टी भी होगी। अब एक बर्तन में हमने बचे हुए चावल लिए हैं, ये दोपहर के बचे हुए चावल हैं, आप फ्रेश चावल से भी खीर बना सकते हैं। इसमें डालेंगे दूध, इसमें जाएगी शक्कर और इलायची पाउडर और हम अब इसको हैंड मिक्सर से ब्लेंड कर देंगे। अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी खीर के मिक्सचर में अब डालेंगे उबाले हुए साबूदाना, इससे हमारी खीर गाढ़ी और टेस्टी हो जाएगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाएगी। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने घी में सौते करके रखा हुआ था, उससे हम गार्निश करेंगे इस तरह और ठंडी ठंडी सर्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।